नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में जो EPS 95 के जो पेंशनर्स है, तो इन्होंने 4 से लेकर 7 दिसंबर तक दिल्ली में जो है वो अमरण अनशन करने का जो है वो ऐलान किया है। तो इसी के चलते ये जो जलगांव जिले के जो EPS 95 के जो पेंशन धारक है, तो उनकी जो सभा है दोस्तों 29 नवंबर 2018 को जलगांव में बुलाई गई है। तो यहाँ पर ये जो आंदोलन होने वाला है दिल्ली में, तो इसी के लिए जो है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो EPS 95 के जो पेंशन धारक है तो वहाँ जो उपस्थित रहे। तो इसी के बारे में ये जो सभा है दोस्तों जलगांव में होने वाली है, तो इसी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले कि ये जो सभा है वो जलगांव में कहाँ होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, यहाँ पर कौन कौन आने वाला है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो जलगांव में सभा होने वाली है, तो इसकी जो डिटेल न्यूज है अभी हम जानते हैं। पर उस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो EPS 95 के जो पेंशन धारक है, तो उनकी जो सभा जलगांव में होने वाली है, तो इसी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि महाराष्ट्र जलगांव क्षेत्र के EPS 95 पेंशन धारकों की 29 नवंबर 2018 को जलगांव में सभा। तो यहाँ पर इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि जो सभी पेंशनर्स है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पे जो है वो सबको एक अपील भी की गई है कि जो 4 से लेकर 7 दिसंबर तक दिल्ली में अनशन होने वाला है, तो वहां पर जो है वो लाखों की संख्या में जो है वो उपस्थित रहे। तो जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिले हैं, तो वहां पर से जो है वो EPS 95 के जो पेंशन धारक है, तो वो भी जो है वो वहां पर अपनी जो उपस्थिति है वो दर्शाए, ताकि ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह से सफल हो सके। तो यहाँ पर इसी के बारे में जो है दोस्तों बताया गया है, और यहाँ पे ये जो जलगांव में सभा होने वाली है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में जो एड्रेस है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो सभा होने वाली है दोस्तों 29 नवंबर 2018 को, तो यहाँ पर इसके बारे में एड्रेस जो है वो बताया गया है कि विद्यार्थी सहायक समिति सभागृह 148 यशवंत नगर रामानंद बस स्टॉप दक्षिणेश जलगांव महाराष्ट्र, 29 नवंबर 2018 गुरुवार सुबह 10 बजे ये जो सभा है दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। तो अगर आप इस सभा में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका जो एड्रेस है दोस्तों आपको मिल जाएगा। ये जो डिटेल आर्टिकल है दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इसको वहां पर जो है वो क्लिक करके ये जो एड्रेस है वो वहां से आप ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये जो जलगांव में सभा होने वाली है EPS 95 पेंशन धारकों की, जो दिल्ली में सभा होने वाली है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है वो बताया जाने वाला है कि दिल्ली में जो सभा होने वाली है, तो वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो पेंशनर जो है वो उपस्थित रहे, ताकि ये जो आंदोलन है अपनी पेंशन की बढ़ाई के लिए, तो वो जो है वो पूरा हो सके, और सरकार जो है दोस्तों इन मांगों पर जो है वो अपना लक्ष्य भेद सके। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही डिटेल में बताना था, ये जो जलगांव में सभा होने वाली है दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने इसके बारे में जाना। तो चलिए दोस्तों, अभी अगले आने वाले वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।